नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 और हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1, तो उसके गद्य खंड का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। और गद्य खंड में हमारा जो प्रथम अध्याय है प्रेमचंद, और इनके द्वारा जो लिखित कथा है, कहानी है, दो बैलों की कथा, तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रेमचंद का जो जीवन परिचय है उसका अध्ययन कर लेते हैं। उनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं भाग 1 के अंतर्गत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मुंशी प्रेमचंद का जन्म है सन 1880 में वाराणसी के लम्ही गाँव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। अब देखिए, प्रेमचंद का जो जन्म है सन 1880 में हुआ था और वो बनारस के लम्ही गांव में। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब इन्होंने शिक्षा विभाग के अंदर नौकरी प्राप्त कर ली, लेकिन असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण से सरकारी जो नौकरी है वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। अब क्योंकि इनका जो जन्म है सन 1880 में हुआ और हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, यानी कि जब इनका जन्म हुआ है तो हमारा देश उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था, हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के। तो सरकारी नौकरी मिली है तो वो अंग्रेज़ों के समय में मिली है, लेकिन जब असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया तो इन्होंने उस समय असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जो सरकारी नौकरी थी उसे त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। अब ये महान कथाकार हैं जिन्होंने हिंदी गद्य जो साहित्य है उसको एक नया आयाम दिया और केंद्र में प्रेमचंद ही रहे हैं। सारा जो साहित्य है, कथा साहित्य कह सकते हैं, गद्य साहित्य जो है प्रेमचंद के इर्द गिर्द घूमता है। अब इसको जो है प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंदोत्तर, इन तीन रूपों में जाना जाता है। एक प्रेमचंद युग आ गया, प्रेमचंद पूर्वोत्तर हो गया, एक प्रेमचंद उत्तरोत्तर हो गया। तो इस प्रकार से काफ़ी योगदान रहा है प्रेमचंद का गद्य साहित्य में, गद्य विधा में। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। अब ये इनके मुख्य उपन्यास हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अब हंस, जागरण, माधुरी ये पत्रिकाएं हैं और इनका संपादन भी इन्होंने किया था। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। अब जो प्रेमचंद है ना, वो सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं साहित्य को। उन्होंने जिस गाँव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। अब प्रेमचंद का जो साहित्य है वो सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। अब प्रेमचंद से पहले जितनी भी कहानियाँ लिखी जाती थी ना, वो सारी कोई कल्पनाओं पर आधारित रहती थी, किसी में तिलिस्म रहता था, तो इस प्रकार की रहती थी। लेकिन प्रेमचंद ने जब लिखना प्रारंभ किया तो इन्होंने जो वास्तविकता है, जो यथार्थवादिता है, तो उसी को ही अपनी रचनाओं में उकेरा है। तो इसी कारण से प्रेमचंद साहित्य को, प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा गया साहित्य या प्रेमचंद युग जो है उसमें जो साहित्य लिखा गया वो सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम था। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, अब ये प्रेमचंद के विषय में आ रहा है कि उन्होंने जिस परिवेश को देखा है शहर के या गाँव के, तो उसी को जिया और अभिव्यक्ति दी है कथा साहित्य के रूप में। किसानों और जो मजदूरों की दयनीय स्थिति है, जो दलितों का शोषण हो रहा था, समाज में स्त्रियों की जो दुर्दशा थी,
स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। अब केवल इन्होंने मनुष्यों के प्रति ही आत्मीयता नहीं रखी है, बल्कि जो पशु पक्षी हैं उनके प्रति भी आत्मीयता दिखाई देती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में, सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। अब जो बड़ी से बड़ी बात भी जो है, तो उसको सहज और सरल भाषा में, सीधे संक्षेप में कह देना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अब इनकी जो भाषा है वो सरल है, सजीव है और मुहावरेदार है, और उन्होंने लोक प्रचलित जो शब्द हैं उनका प्रयोग भी बड़ी कुशलतापूर्वक किया है। ये तो था इनके बारे में परिचय, प्रेमचंद के बारे में। लेकिन जो हमारा अध्याय है इसमें दो बैलों की कथा, उसका मूल भाव क्या है या संक्षिप्त वर्णन क्या है इसका, तो उसका हम थोड़ा अध्ययन कर लें। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। अब देखिए किस प्रकार से कृषक है, जो किसान जो है, वो पशुओं के साथ में भावात्मक रूप से जुड़ा रहता है। आपने देखा होगा कि अगर हम घर पे कोई जीव जंतु वगैरह लेके आते हैं तो उसके साथ में हमारी कितनी आत्मीयता हो जाती है। तो आप देखिए कि किसान जो है उसकी पशुओं के साथ में कितना अधिक आत्मीयता होगी, भावात्मक संबंध होंगे। तो ऐसे कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन जो है इस कथा में किया गया है, जो कि दो बैलों की कथा है, इसके माध्यम से प्रेमचंद ने किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। अब देखिए, दो बैलों की कथा के माध्यम से इन्होंने असहयोग आंदोलन में एक नई जान फूंकने का जो काम है वो भी किया है। उन्होंने कहा है कि बार बार संघर्ष करने से ही स्वतंत्रता मिलती है, सहज रूप से स्वतंत्रता नहीं मिलती है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। अब देखिए, परोक्ष रूप से इंग्लिश में अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं ना, कि डायरेक्ट रूप से कह दिया है ना, इनडायरेक्ट रूप से कह दिया, तो ये इनडायरेक्ट रूप से जो है वो आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है, जिसको परोक्ष कहते हैं, जो हमें सामने दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। अब इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश, क्योंकि पंचतंत्र और हितोपदेश जो है ना, इसमें पशुओं के माध्यम से कहानियों की रचना की गई है, इसमें पशु पक्षी बोलते हुए बताए गए हैं। तो ऐसी परंपरा को ही इन्होंने उपयोग में लिया है और उसी का ही विकास किया है दो बैलों की कथा के माध्यम से। तो ये तो था इनका, प्रेमचंद का परिचय, और साथ ही साथ जो हम अध्ययन करेंगे दो बैलों की कथा, उसका सारांश रूप कि लेखक जो है इसके माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है। तो हम जो हैं भाग दो के अंतर्गत, जो हमारी मूल कथा है इसके अंदर, जो मूल पाठ कह सकते हैं अपने, दो बैलों की कथा, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसके जो प्रेमचंद का जीवन परिचय है, इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उनका अध्ययन कीजिए, और जो इन हमारा जो अध्याय है दो बैलों की कथा, उसके मूल भाव का भी अत्यंत ही, यानी कि विस्तृत जो कह सकते हैं अपने, ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, जिससे कि हम ये जो कथा पढ़ें, जो दो बैलों की कथा है इसको पढ़ें, और पढ़ने से इसका जो मूल भाव क्या है वो हमें शीघ्रता से समझ में आ जाए। तो इसलिए हमने अध्ययन किया है इसके परिचय का, और साथ ही साथ जो मूल भाव, इसका मूल पाठ है, जो मूल भाव है उसका अध्ययन किया है, और कल हम हमारी जो कथा है दो बैलों की कथा, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ ही धन्यवाद।